खबर आपको बताते हैं, इस वक्त लखनऊ से मिल रही लखनऊ में नायब तहसीलदार और तहसीलदार का प्रदर्शन, चकबंदी विभाग को राजस्व विभाग में विलय का विरोध किया जा रहा है। 350 तहसीलों में विरोध प्रदर्शन जारी है। 50,000 से ज्यादा राजस्व कर्मी आज इस विरोध प्रदर्शन और आपको बता दें इसमें शामिल हुए हैं। तो चकबंदी विभाग के राजस्व विभाग में विलय का ये सभी लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं वरिष्ठ संवाददाता उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अकील सिद्दीकी जी। अकील जी, 350 अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे नायब तहसीलदारों का जो विरोध प्रदर्शन है ये आज से शुरू हो गया है, कब तक ये चलेगा, क्या लगता है, क्या कुछ और मांगे इनकी रहने वाली है? रश्मि देखिए, निश्चित तौर पे आज उत्तर प्रदेश में चकबंदी विभाग राजस्व विभाग में जो विलय हुआ है उसको लेकर आज प्रदर्शन होगा। इनकी जो है लगभग तकरीबन पूरे प्रदेश में 350 तहसीलें हैं, उसमें आगे आंदोलन का जो प्रदर्शन करेंगे 50,000 से ज्यादा राजस्व कर्मी आए वो प्रदर्शन में आएंगे, शामिल होंगे 750 तहसीलदार भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। 1234 नायब तहसीलदार हैं पूरे प्रदेश भर में, राजस्व महासंघ के आंदोलन को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे और 30,837 लेखपाल भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। तो निश्चित तौर पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो चकबंदी विभाग का भी जो विलय से लेकर राजस्व विभाग का सबसे ज्यादा नुकसान होगा अगर ये प्रदर्शन होता है। 68,000 सहायक भूमि लेखा अधिकारी हैं राजस्व की हड़ताल प्रदर्शन में जो शामिल हो रहे हैं। प्रदेश भर में आई बाढ़ की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, देखिए पूरी तरीके से पूर्वांचल में बाढ़ की स्थिति अभी बनी हुई है और लेखपाल से लेकर तहसीलदार और इसमें भी निभाता है, तो कहीं ना कहीं तहसील की बड़ी भूमिका होती तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी इस प्रदर्शन से। यूपी में जो उपचुनाव भी हो रहा है, तमाम कामकाज प्रभावित होंगे। और आखिर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि विलय से क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या परेशानी और क्या फायदा सरकार को? देखिए, सरकार चाहती है जब विलय हम चीजों के जो विभाग 10 विभाग बनाए गए हैं, काम उन्हीं अधिकारी को करना है, तो सरकार ये चाहती है कि विलय करके एक मुख्यालय, एक कार्यालय बनाएंगे, एक विभाग बनाएंगे, लोग कम होंगे, जिम्मेदारी से काम निभाएंगे। जब पूरी तरीके से अगर अलग अलग विभाग करते हैं तो कहीं ना कहीं कर्मचारी अलग अलग रखने पड़ रहे हैं, जिम्मेदारी अलग अलग देनी पड़ रही है, तनख्वाह अलग अलग जाती है। तो निश्चित तौर पर सरकार ये चाहती है कि विभाग के अलग अलग उसी विभाग के जिम्मेदारी अधिकारी ही निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको एक करने की कोशिश। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि मुख्यालय पर ही नहीं हुआ है, लोक भवन की जहाँ सचिवालय की बात करें तो कई ऐसे विभाग थे जिसको सरकार ने खत्म किया है और खत्म करने के बाद, विलय करने के बाद उसे सुचारू रूप से चलाया है। तो निश्चित तौर पर सरकार ये भी चाहती है कि जिस तरह अगर हम विलय करेंगे तो उसे कहने कर्मचारियों को फायदा ही होगा, लेकिन कर्मचारी को साफ कहना है जैसे तहसीलदार हो या नायब तहसीलदार हो कि अलग अलग जिम्मेदारी थी, अलग अलग विभाग था तो अलग अलग ही निभाया है। तो अब ये देखना होगा इस प्रदर्शन के बाद किस तरह, प्रदर्शन के बाद किस तरह सरकार इनकी बातों को मानती है या नहीं मानती है, विलय करती है, इससे कितना फायदा कितना नुकसान सरकार को भी सरकार जानती है। इसी तौर पर क्या कर्मचारी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।